नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज की बड़ी खबरें लेकर। लेकिन यदि उससे पहले आपने अपने चहेते चैनल न्यूज़वर्ल्ड 24 को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, पता नहीं कौन सी बड़ी खबर आपके काम की हो। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाएं देश व प्रदेश की मुख्य बड़ी खबरों की तरफ। उमर अब्दुल्ला ने की वायुसेना की तारीफ, कहा अब भारत पाक के बीच जंग का खतरा बढ़ा। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट में आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध की आशंका जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अब पाकिस्तान पीएम इमरान खान इस पर विचार करेंगे कि पाकिस्तान जवाब दे या नहीं। उन्होंने लिखा कि देखना यह है कि इमरान अब किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे। कहा प्रतिक्रिया देंगे, क्या भारत पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर करारा जवाब देगा? बता दें कि हाल ही में धारा 35A और अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार की कड़वी आलोचना की थी। मेट्रो में सवारी कर इस्कॉन मंदिर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मेट्रो ट्रेन के जरिए इस्कॉन मंदिर तक की यात्रा की। इस्कॉन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी गीता का विमोचन भी किया। यह मंदिर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित है। वे इस्कॉन गैलरी ऑफ इंडिया कल्चर सेंटर के कार्यक्रम गीता आराधना में शरीक होने पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने जिस गीता का विमोचन किया उसका वजन 800 किलो बताया जा रहा है। आईएएफ स्ट्राइक से तिलमिलाया पाकिस्तान, बोला पसंद की जगह और वक्त पर देंगे जवाब। पाकिस्तान ने मंगलवार को भारतीय दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया कि उसने बालाकोट के नजदीक आतंकवादी शिविर को निशाना बनाया और भारी क्षति पहुंचाई। साथ ही उसने संकल्प लिया कि भारत के गैर जरूरी आक्रामकता का जवाब वह अपने पसंद के स्थान और समय पर देगा। पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में भारतीय हवाई हमले के कुछ घंटे के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की विशेष बैठक में प्रधानमंत्री इमरान खान ने सशस्त्र बलों और पाकिस्तान के लोगों से किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। नई दिल्ली में अधिकारियों ने जानकारी दी कि भारत ने मंगलवार की सुबह पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर बम से हमला कर उसे नष्ट कर दिया। हमले में काफी संख्या में आतंकवादी प्रशिक्षक और वरिष्ठ कमांडर मारे गए। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में किया हवाई हमला, इमरान खान ने बताया चुनावी स्टंट। विदेश मंत्रालय ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। इस कार्रवाई में अजहर मसूद के रिश्तेदार के मारे जाने की भी खबर है। विदेश सचिव वीके गोखले ने बताया कि इस हमले में जैश का सबसे बड़ा आतंकी कैंप ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जैश के आतंकी दोबारा फिर अधीन हमला करने की तैयारी में थे, जिसकी सूचना मिलते ही उनका ठिकाना तबाह कर दिया गया। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने सोमवार देर रात करीबन 3:30 बजे जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई की। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 12 Mirage 2000 विमानों ने बालाकोट में आतंकी लॉन्च पैड्स पर 1000 किलो के बम गिराए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में जैश के कंट्रोल रूम तबाह हो गए। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस संबंध में एक फेसबुक पोस्ट किया है। उन्होंने एयर स्ट्राइक को चुनावी स्टंट करार दिया है। बालाकोट में वायुसेना की बड़ी कार्रवाई, चीन ने कहा संयम बरते भारत पाकिस्तान। चीन ने मंगलवार को भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने का आह्वान किया और नई दिल्ली से आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए जारी रखने को कहा। चीन की यह टिप्पणी तड़के पाकिस्तान में आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े शिविर पर भारतीय लड़ाकू विमानों के हमले के कुछ घंटे बाद आई है। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर भारत के हवाई हमलों के संबंध में चीन की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने यहां मीडिया से कहा, हमने संबंधित खबरों को देखा है। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान दक्षिणी एशिया में दो महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों के बीच मधुर संबंध और सहयोग दोनों देशों के हित में है और दक्षिणी एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भी अहम है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान संयम बरतेंगे तथा अपने द्विपक्षीय रिश्तों को परस्पर और मजबूत करेंगे। IAF स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप, इमरान खान ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। पाक विदेश मंत्री बोले, मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को तड़के नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन पर भारी बमबारी की है। भारतीय विमानों की बमबारी में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारतीय वायुसेना के इस जोरदार हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है।
आनंद फानंद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी बैठक की। पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट डॉन की एक खबर के अनुसार शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान शांति चाहता है। कुरैशी ने भारत पर भड़काऊ कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल देश के प्रत्येक कोने और इसके नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और आक्रामकता साफ देखी जा सकती है। वायुसेना ने 1.7 करोड़ रुपए के बम से किया जैश के ठिकानों का तबाह, 6300 करोड़ की संपत्ति थी दांव पर। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को सुबह पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। इस हमले में करीब 350 आतंकी और उनके प्रशिक्षकों के मारे जाने की खबर है। हमले को अंजाम देने के लिए वायुसेना ने करीब 1.7 करोड़ रुपए कीमत के लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया। जैश के प्रमुख ठिकानों को तबाह करने के बाद यह बात सामने आई कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने पहुंची वायुसेना की 6300 करोड़ की संपत्ति दांव पर लगी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना ने बालाकोट के समीप पहाड़ियों पर घने जंगलों के बीच बने कैंप और मुजफ्फराबाद तथा चकोटी स्थित छोटे कैंपों को ध्वस्त करने के लिए 1000 किलोग्राम के बम का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक बम की कीमत 56 लाख रुपए है। आईएफ स्ट्राइक सर्वदलीय बैठक खत्म, विपक्ष बोला आतंकवाद खत्म करने के लिए हमेशा देंगे समर्थन। भारतीय वायुसेना द्वारा पीओके में आतंकवादियों पर की गई बड़ी कार्रवाई के बाद देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने सेना द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम हमेशा सेना के साथ हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि खास तौर से आतंकियों और आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाकर किया गया ऑपरेशन था। बैठक खत्म होने के बाद सुषमा स्वराज ने कहा कि सभी दलों ने वायुसेना को बधाई दी है। आईएफ स्ट्राइक के बाद पहली रैली में बोले प्रधानमंत्री, अब नामुमकिन भी मुमकिन क्योंकि यह है मोदी सरकार। पाकिस्तान की पनाह में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के चूरू में जनसभा को संबोधित करते हुए उसी कविता को सुनाया जिसे वे अक्सर सुनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री ने इसके बाद अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने गहलोत सरकार से आयुष्मान भारत योजना से राजस्थान के लोगों को जोड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बदला हुआ भारत नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। पाक में हमले के बाद केजरीवाल का बदला मूड, भूख हड़ताल की स्थगित। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत पाक के बीच मौजूदा हालात के परिप्रेक्ष्य में वह 1 मार्च से प्रस्तावित अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े शिविर पर मंगलवार की सुबह भारत के हमले के बाद उनका बयान आया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत पाक के बीच वर्तमान स्थिति के मद्देनजर मैं दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य की मांग को लेकर किए जाने वाले उपवास को स्थगित कर रहा हूँ। आज हम सब एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। भाजपा विधायक का बयान, मसूद अजहर का सिर काटकर लाने वाले को मिलेगा 10 लाख का इनाम। पुलवामा हमले के बाद मंगलवार की देर रात भारतीय सैनिकों द्वारा आतंकियों के खिलाफ किए गए जवाबी हमले से देश भर में खुशी की लहर है। वहीं इसे लेकर उत्तराखंड में लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के सिर की कीमत लगा दी। उनका कहना है कि जो भी मसूद अजहर का सिर काटकर लाएगा उसे 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर अपने 56 इंच सीने की कहावत को सिद्ध कर दिया है। लॉन्च हुआ 1TB का माइक्रो SD कार्ड, स्टोर कर सकते हैं हजारों फिल्में। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में कम स्टोरेज स्पेस है या फिर आप उसे और बढ़ाना चाहते हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सैन डिस्क ने स्पेन के बार्सिलोना में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में 1TB का माइक्रो SD लॉन्च किया है जिसमें आप हजारों फिल्में, फ़ोटो और गानों को स्टोर कर सकते हैं। सैन डिस्क ने इस माइक्रो SD कार्ड की कीमत $449.99 रखी है, यानी ₹32,000। इसमें 90 MB प्रति सेकंड के राइट स्पीड और 160 MB प्रति सेकंड की रीड स्पीड मिलेगी। आपकी तरफ पूरा मुड़ जाता है ये स्मार्टफोन।
दुनिया में मुड़ने वाले स्मार्टफोन्स का दौर शुरू हो गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में रविवार शाम को हुवेई ने अपने फोल्डेबल 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। इससे पहले सैमसंग ने भी अपने फोल्डेड स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था। हुवेई ने इस फोन को मेट एक्स के नाम से लॉन्च किया है। इस फोन को देखे तो ऐसा लग रहा है कि यह फोन ठीक उसी तरह साइड से फोल्ड होगा जैसे सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन साइड से फोल्ड होता है। हुवेई मेट एक्स के डिजाइन की बात की जाए तो यह काफी यूनिक है। स्मार्टफोन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर उसे फोल्ड किया जाए तो भी कहीं भी गैप नहीं दिखता। 5G फोन हुवेई मेट एक्स जब फोल्ड होता है तो 6.6 इंच का स्मार्टफोन बन जाता है। जब इसे अनफोल्ड किया जाता है तो 8 इंच का टेबलेट बन जाता है। Xiaomi Redmi Note 7 Pro की तस्वीरें हुई लीक। 48 MP कैमरा के साथ 28 फरवरी को होगा लॉन्च। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi 28 फरवरी को अपने नए हैंडसेट लॉन्च करने की तैयारी में है। इस दौरान Redmi Note 7 के अलावा Redmi Note 7 Pro भी लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन से संबंधित चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट वेबो पर कई लीक सामने आए हैं। आपको बता दें कि Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन Redmi Note 7 का अपग्रेडेड वेरिएंट है। Redmi Note 7 Pro को लेकर कई लीक सामने आए हैं। इनके मुताबिक फोन में 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर दिया जा सकता है। टिपस्टर ईशान अग्रवाल ने इस फोन की कई इमेजेस शेयर की है। उन्होंने कहा कि Redmi Note 7 प्री Redmi Note 7 को 28 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इस पोस्ट में यह नहीं बताया गया है कि दोनों फोन्स एक साथ भारत में लॉन्च होंगे या फिर Redmi Note 7 भारत में लॉन्च होगा और Redmi Note 7 Pro चीन में। भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए गए सनत जयसूर्या, ICC ने लगाया 2 साल का बैन। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने पर जयसूर्या पर बैन लगाया है। श्रीलंका क्रिकेट के पूर्व चयनकर्ता जयसूर्या ने स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने ICC के एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन किया था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।